लॉकडाउन के 75 दिन बाद प्रशासन के निर्देश पर सोमवार को मंदिर के पट खोल दिए गए। इतने दिनों बाद मंदिर के पट खुले तो भक्तों ने भगवान के दर्शन किए, लेकिन इस दौरान आम तौर पर भक्तों की दिखने वाली भीड़ गायब है। आज हम आपको नौ जिले के दो मशहूर देवी मंदिर चंद्रिका देवी और कुशहरी देवी के साथ कन्नौज जिले के प्रसिद्ध अन्नपूर्णा माता के मंदिर ले चलेंगे और दिखाएंगे कि वहां पर कोरोना से भक्तों को बचाने के लिए मंदिर समिति ने क्या क्या इंतजाम किए हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं नवाबगंज के कुशहरी माता मंदिर के पट खुले तो वहां कैसा इंतजाम रहा। नमस्कार, मैं कुलदीप गोस्वामी, इस समय मैं मौजूद हूँ उन्नाव के प्राचीन मंदिर दुर्गा कुशहरी में। आइए आपको दिखाते हैं कि जो है लॉकडाउन के बाद मंदिर खुल गया है और लोग कैसे तैयारियां। कुशहरी देवी मंदिर में अन्य दूसरे मंदिरों की ही तरह दर्शन के लिए कई नियम बनाए गए हैं। कुशहरी देवी मंदिर समिति ने एक साथ लोगों को दर्शन पर रोक लगा दी है। एक बार में सिर्फ 5 ही लोग देवी के दर्शन कर सकते हैं। इसके साथ ही मंदिर में किसी तरह का कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाया जा सकता, ना ही कोई किसी चीज को छू सकता है। कोरोना से बचने के लिए सभी लोगों को बताया जा रहा है, मास्क लगाइए, मास्क लगा के मंदिर आइए, सफाई करा दी गई, सब लोगों को अलग अलग रखा जा रहा है। 5 आदमी से ज्यादा मंदिर में नहीं हो रहा है। जो लोग बाहर से आते हैं मुंडन वगैरह तो अपना बाहर कराएंगे, मंदिर के अंदर परिसर में जो लोग हैं दर्शन करने वाले वो नहीं, मंदिर के अंदर जाने के लिए 5 आदमी से ज्यादा। प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था की गई? प्रशासनिक अधिकारी नहीं, कल मीटिंग हुई थी उसी में बताया गया था, अभी तो कोई आया नहीं। मंदिर में सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई ताकि कोई भी भक्त ऐसे ही मंदिर में प्रवेश न कर सके। मंदिर के बाहर प्रसाद और श्रृंगार की दुकान लगाने वाले दुकानदार मंदिर खुलने से बेहद खुश है। उनको उम्मीद है कि अब मंदिर खुला है तो उनकी आमदनी में भी इजाफा होगा। इतने दिन बाद आप मंदिर आए हैं, कैसा लग रहा है? बाहर प्रसाद जब दिया तो कुछ हाथ धुले, सैनिटाइजर वगैरह कुछ? सरकार के आदेशानुसार घंटों को जो है बंद कराया जाए या फिर इसमें पॉलिथीन या किसी भी तरीके से बंद किया जाए, लेकिन ऐसी व्यवस्था यहाँ पे कोई नहीं है, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, ये आपकी बात एकदम सत्य है, लेकिन एक केवल घंटा ही नहीं है, यहाँ की बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें से वायरस फैल सकता है, जैसे कि यहाँ एंगल है, गेट है, इसलिए केवल घंटा हटा देने से कोई कार्य होने वाला नहीं है। सरकार कुछ भी कहे, सरकार को भी सोच विचार के बात करनी चाहिए, क्योंकि सिंगल है, बना हुआ पूरा प्रांगण है, कहीं भी हाथ रखेगा तो कहीं से भी फैलेगा। केवल घंटा हटा देने से कुछ भी कार्य होने वाला नहीं है। जैसे कि मार्केट खुली हुई है, एक एक जगह से 100 आदमी खड़े हुए, तो क्या इससे कोरोना नहीं फैलेगा? अवश्य फैलेगा। इसलिए हम प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि आप अपनी देख रेख में मंदिर है, सिनेमा घर है या अन्य बड़े बड़े स्थान है जैसे बाजार। नवाबगंज के कुशहरी माता मंदिर के बाद अब आपको ले चलते हैं कन्नौज जिले के प्रसिद्ध अन्नपूर्णा माता के दरबार में। नमस्कार, मेरा नाम अमित प्रसाद सिंह है। आज मैं कन्नौज जिले के सेवा कस्बा का जो प्रसिद्ध माता रानी अन्नपूर्णा का मंदिर है, जो आज कोरोना के स्पोर्टिंग 19 में आज पहली बार जो खोला गया है, गेट के दरबार शासन की तरफ से खोलने का आदेश दिए गए हैं। तो आइए दिखाते हैं हम आज मंदिर की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। आमतौर पर यहाँ भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन लॉकडाउन के बाद जब मंदिर के पट खुले तो कुछ एक ही भक्त माला के दर्शन के लिए आए। रास्ता तो यही है कि यहाँ गार्ड भी खड़े हो गए, गेट भी बंद है, एक एक दो दो यात्री आते हैं, उनको दर्शन बंद कर दिया जाता है, मास्क का ज्यादा प्रयोग हो रहा है, हर दुकानदार को सूचना कर दी है कि ज्यादा भीड़ भाड़ के माहौल न पैदा करो, जिससे कोई आदमी संक्रमित हो, किसी को परेशानी हो। बाकी यात्री आता है दर्शन करके और चला जाता है। मंदिर खुलने से कोई लाभ भीड़ को तो नहीं हो रही पहले, लेकिन हाँ ये है कि जो आदमी दर्शन करने का है वो आगे अपना दर्शन करके तुरंत चला जाता है, भीड़
बार पैसा नहीं मिला। अभी तक जो मंदिर बन रहा है तो उसमें आपको कितना का लाभ हुआ है, क्या आना चाहते हैं, क्या आपको लाभ क्या हुआ? बाबू जी बैठे बैठे 70 कुछ हो रहे, 65-60 दिन बच्चे छुट्टी खा गए, स्थिति ये हो गई कि हम लोग ब्याज का पैसा लगा के मतलब काम शुरू कर रहे हैं। और ये समझ लीजिए कि आपने मदद की, मीडिया वाले ने मदद की, या कोई श्रद्धालु आ गया तो कुछ खान पान चलता है। तो अभी जितने दिन ये बंद रहा है, अभी 75 दिन तक इनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है, क्योंकि ये जमीन स्तर से जुड़े हुए लोग हैं और इनकी रोजी यही दुकानदार है। और कम से कम 2,000 श्रद्धालु इसी मंदिर से जुड़ा है, कम से कम 2,000 श्रद्धालु जो दुकानदार हैं जो इस मंदिर से रोजी रोजी कमाते हैं। और जरा एक देखिए दुकानें खोली हुई हैं, भीड़ भाड़ का माहौल कम है यहाँ पर। मंदिर के पुजारियों को उम्मीद है कि धीरे धीरे भक्तों की भीड़ बढ़ेगी। अभी जिले में जिस तरह से कोरोना अपनी पैर पसार रहा है तो लोग उसको लेकर दुविधा और डर में फंसे हैं। तो आज पहले दिन आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या क्या इंतजाम किए गए हैं मंदिर की व्यवस्थाओं के लिए, जो दर्शन विभाग से आ रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? यहाँ पर हमने बैरिकेटिंग करा रखी है लोगों के लिए, उसके अलावा हमारे पास थर्मोमीटर का भी थर्मोमीटर है, उसके बहुत स्कैनिंग भी हो रही है और सैनिटाइजर का व्यवस्था है। बाकी ऊपर हमने पूरा बैरिकेटिंग करा रखी है, ऊपर एक बार में 500 ज्यादा लोग नहीं जा रहे हैं। अन्नपूर्णा माता मंदिर समिति ने कोरोना से बचने के लिए सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक इंतजाम किए हैं। मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले भक्तों के लिए साबुन और सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, साथ ही एक बार में 5 ही भक्तों को देवी के दर्शन करने के लिए जाने दिया जा रहा है। मैं माता रानी अन्नपूर्णा मंदिर के दरबार में आया हूँ, जो यहाँ के सबसे महान थी। सर आपका नाम? प्रशन बाकी। प्रशन बाकी जी हैं। अच्छा जी, ये चाहिए कि आज के शासन के आदेश के साथ 8 तारीख को पहली बार जो मंदिर खोलने के एक दिन कोरोना के कारण जो बन रहा है सर, तो इसमें आपने क्या क्या मंदिर माता रानी के एग्जाम किए हैं? माता रानी के लिए हाथ धोने के लिए मैंने व्यवस्था करवाई है, सैनिटाइजर की व्यवस्था करवाई है और बैरिकेडिंग करवाई है। और दर्शकों के लिए क्या ध्यान है, जो दर्शक आ रहे हैं जैसा कि बता रहे हैं सर कि 5 लोग दर्शन करने के आ रहे हैं और सैनिटाइजर की व्यवस्था है, हाथ धोने की व्यवस्था है, चारों तरफ बैरिकेड। अन्नपूर्णा माता मंदिर के बाद अब आपको ले चलते हैं उन्नाव जिले के प्रसिद्ध बक्सर के चंद्रिका देवी मंदिर में, जहां आने वाले भक्तों को मायूस होकर लौटना पड़ा। जहां जिले के सारे मंदिर खोले जा चुके हैं, वहीं अभी चंद्रिका देवी मंदिर के पट नहीं खुले हैं। और इस समय हम मौजूद हैं उन्नाव जिले के बड़े ही मशहूर मंदिर माँ चंद्रिका देवी बक्सर धाम में। आज से मंदिर के दरवाजे भक्तों के लिए खोल दिए जाने का आदेश था, लेकिन मंदिर के कपाट किसी कारणवश बंद है। आइए हम बात करते हैं। यहाँ पर कोरोना से बचने की पूरी व्यवस्था न हो पाने की वजह से मंदिर समिति ने अभी मंदिर न खुलने का फैसला लिया है। वहाँ पे हमने DM से परमिशन ली है कि मुझे मंदिर खोलने के लिए इजाज़त दी जाए और मुझे उसके लिए जो है थोड़ी सी सिक्योरिटी चाहिए, थोड़े से महिलाएं पुलिसकर्मी ये चाहिए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। तो उसमें DM साहब ने बोला कि अभी ये सब कुछ नहीं हो सकता, अगर आप अपने तरीके से खोलना चाहते हैं तो मंदिर के कपाट खोल सकते हैं। तो यहाँ इतनी सारी भीड़ होती है, इस वजह से मंदिर में जो है सिक्योरिटी है नहीं, तो इसलिए मंदिर बंद है। मंदिर समिति का कहना है कि अगले कुछ दिनों में पूरी व्यवस्था कर ली जाएगी, जिसके बाद 13 तारीख से भक्तों के लिए मंदिर के पट खोल दिए जाएंगे। यहाँ के दुकानदारों के द्वारा पता चला है कि प्रशासन की व्यवस्था न होने के कारण मंदिर के कपाट बंद हैं। होने के कारण सारे श्रद्धालु कर यहाँ निराश होकर अपने अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। नवाबगंज से कुलदीप गोस्वामी, कन्नौज से अमित सिंह, बक्सर से दिव्यांशु यादव के साथ कैमरामैन सोनू कुमार, यू न्यूज़।